नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार लॉन्ग नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और वाइवा का ये स्टार क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से MCQs आते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1962। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था NTP जो स्टार्ट हुआ था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो 1962 में हुआ था, जिसकी सक्सेस रेट जो थी वो बहुत लो थी। क्यों लो थी? क्योंकि उसमें एक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB के केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो और ज़्यादा उस चीज़ ने उस सिचुएशन को वर्स कर दिया था, और जो एक्टिव केसेस का डिटेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा कम था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन 1993 द प्रोग्राम वॉज मॉडिफाइड टू RNTCP एंड इट अडॉप्टेड द डॉट्स। डॉट्स क्या फुल फॉर्म रहेगा इसका? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछा जाता है कि जो रिवाइज्ड है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो 1993 में जिसे मॉडिफाई किया गया था, उसने डॉट थेरेपी को लिया अपने अंडर हैंड और उसी के तरीके से उसमें वर्क किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द RNTCP इन 1997। ठीक है, मेनली ये प्रोग्राम लॉन्च 1997 में हुआ, लेकिन 1993 और 94 में पायलट स्टडीज की गई और उसके रिजल्ट को देखने के बाद ही इस प्रोग्राम को 1997 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुआ, पायलट स्टडी कब हुई, प्लस डॉट थेरेपी क्या है, इनका फुल फॉर्म बताइए, ये सब पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? ठीक है, RNTCP के तो अचीवमेंट ऑफ 85% ऑफ क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शियस केसेस ऑफ TB थ्रू डॉट्स, मतलब डॉट्स थेरेपी से 85% का हम लोग क्योर रेट को अचीव करना चाहते थे। प्लस जो केस फाइंडिंग एक्टिविटीज हैं वो भी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी से अचीव करना है। पहले एक्सरेज से किया जाता था, बाद में स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी से इसके रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर थे। तो फेजेस क्या है RNTCP के? फेज 1, फेज 2 है, पायलट फेज 3। तो अभी जो RNTCP है वो एंटर्ड करा है सेकेंड फेज के अंदर। ठीक है, तो ये भी वाइवा के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी फेज में अभी है। देन डॉट स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग क्या करना चाहते थे? पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। इससे क्या है, हमें पॉलिटिकली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्लस इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कमिट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम इस चीज़, किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है या प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू डील हो रही हैं। देन स्प्यूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी से हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं। अर्लियर एक्सरे पे ही रिलाय किया जाता था, लेकिन अब जो है वो स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी पे भी रिलाय कर रहे हैं। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी अश्योर्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी ड्रग। अब जो ड्रग्स हैं जो टीबी के लिए हैं वो भी, उनकी भी एडिक्वेट सप्लाई है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट भी हम लोग उनको दे रहे हैं, प्लस मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी भी हमारी उन पेशेंट के साथ में बिल्कुल है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो डॉट स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि डॉट स्ट्रैटेजी को बताइए। देन ऑर्गेनाइजेशन क्या है RNTCP का? स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिस है, जहाँ पर स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर मिलेगा। देन स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, जहाँ पे डायरेक्टर मिलेगा। देन डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर मिलेगा। यहाँ पर स्टेट था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। देन ट्यूबरकुलोसिस यूनिट है, जहाँ पे हमें मेडिकल ऑफिसर, देन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, देन सीनियर TB लैब सुपरवाइजर, ये सब लोग मिलेंगे। देन माइक्रोस्कोपी सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर्स भी इसके लिए रहेंगे, जहाँ पे मतलब लैब है वहीं पे ट्रीटमेंट के लिए, बाद में अलग से सेंटर्स भी ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए हैं। देन डॉट्स प्रोवाइडर्स भी मिलेंगे जो ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं आते हैं आरएनटीसीपी के अंदर। देन 2006 के अंदर इस स्ट्रैटेजी को स्टॉप टीबी स्ट्रैटेजी अनाउंस किया था WHO ने, जिसे आरएनटीसीपी ने भी अडॉप्ट किया। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि इतना होने के बावजूद भी हमें टीबी को अब बिल्कुल स्टॉप करना है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये और चीज आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, क्वालिटी जो है डॉट्स एक्सपेंशन किया, जो भी डॉट थेरेपी हम दे रहे थे उनका क्वालिटी एक्सपेंड किया, उसे एनहेंस किया। प्लस टीबी के साथ में जो मोस्टली केसेस हैं HIV के, टीबी MDR, टीबी जो केसेस रहेंगे उन सबको भी उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि ये भी मेनली जो है टीबी को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन जो हमारे पास हेल्थ सिस्टम है उन्हें स्ट्रेंथ करने के लिए इस स्ट्रैटेजी में अप्लाई किया। देन केयर प्रोवाइडर्स को एंगेज किया इसके अंदर। देन पेशेंट्स और कम्युनिटीज़ को भी एम्पायर किया, ऐसा नहीं है सिर्फ पेशेंट ही पार्टिसिपेट करे, कम्युनिटी भी एम्पावर किया और इनेबल किया उन्होंने प्रमोटिंग रिसर्च, मतलब रिसर्च को इनेबल करना और प्रमोट करना, कैसे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन के थ्रू। तो ये सारी जो थी स्टॉप टीबी स्ट्रैटेजी के अंदर है सारी चीज़ें थी, मतलब डॉट स्ट्रैटेजी को उन्होंने और ज़्यादा अच्छा, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दी। देन जो टीबी के साथ में जो MDR के पेशेंट थे, टीबी HIV के पेशेंट थे, उन सबको इन्वॉल्व किया, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, कम्युनिटी केयर प्रोवाइडर्स को इन्वॉल्व किया, देन पेशेंट एंड कम्युनिटीज जो हैं उनको एम्पावर करा, रिसर्च को प्रमोट करा। देन 2014 के अंदर, ठीक है, एंड टीबी स्ट्रैटेजी जो थी वो लोग लेकर जाना चाहते थे एंड ग्लोबल टीबी एपिडेमिक तक, ठीक है, बिल्कुल उनको, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया लेवल पे ही उसे कमिट किया जाए कि भाई ख़त्म करना है, लेकिन वो ग्लोबली भी उन्होंने इस चीज़ को लेके जाना था। एंड 2019 से लेकर 2025 तक वो चाहते थे कि टीबी बिल्कुल एंड हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो केसेस हो जाएं, ज़ीरो डेथ हो जाएं, ठीक है, टीबी की वजह से। तो उसका नाम चेंज करके इन्होंने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया। तो अब आपके लिए वाइवा ये इम्पॉर्टेंट है कि अब इसका नाम जो है हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। देखिए ये लोगो भी बना हुआ है यहाँ पे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि टीबी मुक्त भारत या टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। तो ये लोगो MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले लोगो अलग था, अभी ये चेंज हो गया। देखिए इसके अंदर एक हार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड इन्होंने इसके अंदर ये लोगो में दिया है। तो कभी भी ये लोगो आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का लोगो है, ठीक है। देन इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए इस प्रोग्राम के अंदर, तो स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी के साथ में अभी करंटली CBNAT को यूज़ किया जाता है। तो CBNAT क्या टेस्ट है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि अभी करंटली क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो भी हाई रिस्क के जो पेशेंट होते हैं, जो पॉपुलेशन वाले, जो हाई रिस्क वाले जो HIV पेशेंट हैं या पीडियाट्रिक ग्रुप्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ कंपलसरी। पहले ऐसा हुआ करता था कि कम लोगों के अंदर ही ये चीज़ किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये CBNAT टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया। देन निश्चय, जो कि टीबी सर्विलेंस यूजिंग केस बेस्ड वेब बेस्ड IT सिस्टम है, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया गया, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टीबी के केसेस को सर्विलेंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। देन जो भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनके नोटिफिकेशन के, अब मैंडेटरी हो गया है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो टीबी केस को नोटिफाई करें लोकल अथॉरिटीज से, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बताना होगा कि भाई ये पेशेंट टीबी का पेशेंट है, तभी तो हम लोग इस चीज़ को एंड कर पाएंगे। देन टीबी सीरोलॉजी को बैंड करना है, क्यों, क्योंकि जो ये टेस्ट रहता है ये हाईली वेरिएबल रहता है, ठीक है, और कई बार ये रिमोट इन्फेक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है रादर देन एक्टिव डिजीज, मतलब पुरानी डिजीज को बता देता है, अभी जो है या नहीं है उस चीज़ को इतना नहीं बताता है, ठीक है। तो ज़्यादातर CBNAT इसके अंदर अभी टेस्ट जो है करंटली यूज़ किया जा रहा है हाई रिस्क पेशेंट के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जा सकता है। देन अब जो टीबी का जो RNTCP का जो नाम चेंज कर दिया है नेशनल टीबी
ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें क्या रहता है, एक तो एक्टिव केस फाइंडिंग करना, कैसे, एक्सरेज को यूज करके और सीबीनेट को यूज करके, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ही डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी आगे आना है, तो इंटरसेक्टोरल पार्टिसिपेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में भी देखा था कि इंटरसेक्टोरल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्लस जो ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसके लिए भी न्यू ड्रग रेजीम को फॉलो करना होगा। देन फिक्स ड्रग डोज कैलकुलेशन, जैसे अर्लियर क्या होता था कि वो लोग मेडिसिन दे देते थे, तो उनको भी पता नहीं है कि मेडिसिन कितनी है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो वो केस खत्म तो हो ही नहीं पा रहे ना, तो फिक्स डोज कैलकुलेशन होना चाहिए। और अभी क्या रहा है, 2017 से 2025 तक टीबी फ्री इंडिया, इन्होंने ये स्ट्रैटेजी है, मतलब 25 तक इंडिया से बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर देना है ट्यूबरक्लोसिस को। तो ये सारे हैं कि भी एक्टिव केस फाइंडिंग है, एक्सरेज और सीबीनेट के थ्रू, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेट करना है, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स लोगों को भी आना है, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करना है, न्यू ड्रग्स को देना है, देन डोज कैलकुलेशन होना है। तो 25 तक हम लोग इंडिया को टीबी फ्री इंडिया कर देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आरएनटीसीपी का। तो सेंट्रल टीबी डिवीजन है यहाँ पर, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एंड जनरल टीबी का रहता है, जनरल टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसके बाद स्टेट टीबी यूनिट रहती है, देन डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर रहेगा, देन ट्यूबरक्लोसिस यूनिट रहेगी, देन डीएमसी रहेगा, देन डॉट सेंटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डीओ, एसटीओ, ये स्टेट लेवल पे मिलेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो रहेगा वो डीटीओ, एमओ, डीटीसी, सपोर्ट स्टाफ रहेगा ट्यूबरक्लोसिस यूनिट पे। देन डीएमसी के ऊपर मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियंस रहेंगे। डॉस सेंटर पे हेल्थ वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एनजीओज, ये सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि 1 per 5 lakh पॉपुलेशन पर, 1 per 2.5 lakh इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज या डिफिकल्ट एरियाज में पॉपुलेशन पे ट्यूबरक्लोसिस यूनिट रहेगी। और डीएमसी जो रहेगा वो 1 per 1 lakh पॉपुलेशन और 1 per 0.5 lakh पॉपुलेशन इन ट्राइबल और हिली एरियाज में रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अगर हम लोग एग्जाम में आता है तो ये सारी स्लाइड के थ्रू, मतलब कि हम बता सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का पहले क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसको कैसे रिवाइज किया गया है, अभी उसका नाम क्या है, और उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं। और ये स्लाइड भी अगर हम एग्ज़ाम में बनाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।